सो फर्स्टली लेट्स डिस्कस योर मार्क्स. कितने कितने मार्क्स आए, कितने एक्सपेक्टेड थे? मामा स्कोर 94.2%, पॉइंट लेस देन आई एक्सपेक्टेड, अराउंड 98 और 99 परसेंटेज. आई हैव आल्सो फिल्ड फॉर्म फॉर रिवैल्यूएशन. अच्छा, आपने किया है अभी फॉर्म फिल? अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट में लग रहा है कि ज्यादा आने चाहिए थे? फॉर एसएसटी और इंग्लिश के लिए किया है. अच्छा, तो क्या प्रोसेस रहता है उसका? एसएससी के लिए हाँ, हम सब्जेक्ट सिलेक्ट करके वेरिफिकेशन के अच्छा, लिए डाल सकते हैं. तो उसमें कुछ ऐसा होता है जो भी अब नए मार्क्स होंगे, अगर बाई चांस किसी के रिवैल्यूएशन में मार्क्स और कम हो जाए, तो आपके पास ऑप्शन होते हैं दोनों में से कौन से मार्क्स रखना, या जो फाइनल होगा वही मिलेगा? मैम जो फाइनल होगा वही मिलेगा. हम आंसर बुक भी देख सकते हैं और उसके अच्छा, आंसर बुक देख सकते हो. तो ये चीज सबके लिए वैलिड है, कोई हिसाब भी से कर चैलेंज सकता है. भी आ सकते हैं. हाँ अच्छा, घर में सबको क्या रिएक्शन था? वो भी ज्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे या वो खुश हैं? ज्यादा ही. एक्टिव अच्छा, प्री बोर्ड्स में कितने आए थे? प्री बोर्ड्स में इतने थे, ज्यादा थे, कम थे? बोर्ड पर मेरे 85% प्लस पर मार्क्स तो अच्छे हैं, वो आपको लग रहा है ना कि यार शायद इसमें मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, तो लग रहा होगा. अदरवाइज तो आपके मार्क्स अच्छे हैं. मेरे वैसे सब्जेक्ट वाइज हाँ, सब्जेक्ट स्कोर 97 एंड 5, 97 एंड 5, 94 एंड 100, 92 इन मैथ, 91 इन एसएसटी एंड 79 इन इंग्लिश. तो चलो, अच्छा है, अभी रिवैल्यूएशन हो जाएगा, आपको भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा. अभी डिस्कस करते हैं कि मुझे तो लग रहा है यू हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स. तो डिस्कस करते हैं 10th की आपकी पूरी जर्नी कैसी थी. स्टार्टिंग से बिल्कुल पढ़ाई में लग गए थे या धीरे धीरे किया था, कैसे किया था सब? स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दी थी मैंने पढ़ाऊँ, लेकिन जब मेरा नवंबर तक सिलेबस खत्म हो गया था, मैं पढ़ता अच्छा, था डेली 1 to 1.5 मंथ, मैं सेल्फ डेली स्टडी अपनी वाला. स्टडीज को देता था. तो मेरा दिवाली तक सिलेबस एंड हो गया था. अच्छा, तो स्कूल कोचिंग के अलावा ये सेल्फ स्टडी टाइम था. मैं कोचिंग सिर्फ मैथ की अच्छा, जाता तो उसके बाद सिर्फ यूट्यूब वगैरह से. और बुक्स वगैरह कौन कौन सी बुक्स ली थी? मैम. बुक्स मैंने एनसीईआरटी यूज करी थी और एग्जाम दिया एग्जाम. और जनवरी में मैंने सैंपल पेपर यूज करे, मैंने कोई रिसर्च का यूज नहीं किया. उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं, बस इन दोनों में, ये बस दोनों, जैसे आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, उनमें से कोई बुक से किए थे क्वेश्चंस, नो मैम मतलब ये बोर्ड सफिशिएंट रहता है. के लिए ये ना हाँ, मुझे तो हम खुद, बोर्ड के लिए ना होता है. हाँ, आई थिंक सो. तो क्या एग्जाम में कोई ऐसा ऐसा आरडी था, शर्मा बोर्ड के होता एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन देख के लग रहा था कि यार ये तो क्वेश्चन मैंने कभी देखा है ही मैम. नहीं, एग्जाम में नो मैम सारे क्वेश्चन देख मतलब होते सब वही एनसीआरटी बस और एग्जाम का लिखना ही होता है. था. यस मैम कल एनसीआरटी आना चाहिए, मतलब मैंने एनसीआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ा था एटलीस्ट जनवरी और फेब के बीच में 2 to 3 times हाँ, एसएसटी बहुत और साइंस. बहुत अच्छा किया, बिकॉज एक्चुअल में यही और होता है, पेपर हमारा यस एनसीईआरटी में से ही आता है, बस थोड़े से क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल चेंज हो जाता है, अदरवाइज बेसिक्स वही है. अगर कोई सोच रहा है कि एनसीईआरटी छोड़ के हम बाकी बुक्स में से करेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है, पेपर घूम फिर के एनसीईआरटी में से ही आता है.
और वैसे टाइम हम किसी भी लाइन से कुछ नहीं बन जाता है। हाँ, और वैसे भी वैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था? दिक्कत होती थी सेल्फ स्टडी के लिए या मतलब हैबिट हो गई थी? हम हैबिट हो गई है उसमें, स्कूल जाता था सुबह, स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट कर गया, फिर मैं सेल्फ स्टडी करता था। उसके बाद सेल्फ स्टडी करने के बाद जो होमवर्क होता था वो करता था, और अगर कोई टेस्ट होता था तो उसके लिए प्रिपेयर करता था। फिर रात में डिनर करके थोड़ा सा प्रैक्टिस करके मैथ के क्वेश्चन के मैं पूरा करता था, और डेली रूटीन जैसे ऐसा। आपके पास कोचिंग सेंटर्स वगैरह से नहीं आपने लिया, तो नोट्स वगैरह आपने खुद बनाते थे? आप कैसे बनाते थे नोट्स? मैम नोट्स जैसे कई सारे चैनल्स होते हैं जो काफी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, तो मैं उनके लेक्चर देखता था और कई नोट्स बनाता था देखते देखते। जो जो मुझे की पॉइंट्स लगते थे वो मैं नोट डाउन कर लेता था, और साथ में एनसीईआरटी को रखता था कंपेरिजन करने के लिए, जो एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन से चल रहे हैं, तो मैं एनसीईआरटी के भी कुछ की पॉइंट उन नोट्स में लिखता था, ताकि अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाए तो मैं एनसीईआरटी के की पॉइंट पूछता हूँ, करेक्ट इससे मुझे ज्यादा मार्क्स। अच्छी बात है। अच्छा, ऐसी क्या आपको पूरे टाइम पे लगता है कि यार ये गलतियां मुझे अवॉइड करनी चाहिए थी, ये मैं ना करता तो और ज्यादा बेटर हो पाता, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए? बाकी को क्या आप एडवाइस करोगे कि यार मैंने ये गलतियां नहीं करी, तुम भी मत मैम करना? गलतियां तो मैम मैंने गलती ये करी थी, जैसे मेरे पास में 6 मार्क्स आए थे, अच्छा। तो उसके बाद मैं थोड़ा लीनियंट हो गया था स्टडीज पे, तो ये तो आसान है, ओवर कोई दिक्कत कॉन्फिडेंस। नहीं, हाँ। और ये आसान, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। तो जो था वो हार्ड टफ भी बनाते हैं, साथ साथ मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी था उसके वजह से। और बीच में हमारे स्कूल में फंक्शन, एनुअल फंक्शन होते हैं, मैं उसमें पार्टिसिपेट करा था, मैं अच्छा स्टडीज को उतना टाइम दे नहीं पाया था उसमें, अच्छा तो मुझे मेहनत तो करनी है। फिर फिर दोबारा से मैंने यही। जनवरी से वापस रिवाइज करा हाँ। अच्छे से, मैं सैंपल करा, मैं लैक ऑफ प्रैक्टिस कर दिया था। और मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ जितने भी जूनियर थे कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस सबसे जैसे होता है ना, ओनली सिर्फ वीडियोस देखने और सुनने से काम नहीं चलेगा जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे नोट। ना। एंड व्हाट वुड बी योर टॉपर सीक्रेट के भैया, अगर हमारे जैसे टॉप करना है, मेरे जैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ये चीजें करनी पड़ेंगी? मैम टॉपर सीक्रेट तो ये है कि प्रैक्टिस करनी है, क्लास में ना बने ना इतना सिलेबस होता नहीं है 10th क्लास में। मैंने भी हाफ और बना दी, मैंने ना हाफ आवर मैक्स टू मैक्स छोड़ता था वो पर डे, और तब तक भी मेरा नवंबर दिवाली तक सिलेबस कंप्लीट हो गया था, इसलिए प्रैक्टिस इज मस्ट। और PYQ क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो PYQ से रिपीट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अराउंड 50 सैंपल पेपर्स लगाए थे SST मैथ और साइंस के, और इंग्लिश हिंदी के 30। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही वो चीज। और ये चीज आप बहुत अच्छी बना रहे हो कि यार 1.5 घंटा रोज का देना बहुत इजी है, ऐसे सबको लगता है 5 5 6 6 घंटे बैठ के पढ़ेंगे तब जाके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, बट 1.5 घंटा इज लाइक बेयर मिनिमम, इतना तो सेल्फ स्टडी में बच्चा दे सकता है। यस मैम 1.5 घंटा बहुत होता है अगर आप पूरा फोकस होकर पढ़ाए तो। हाँ। जैसे कि एंड के टाइम में मैं भी थोड़ा ज्यादा पढ़ाता था, 10th टू 12th मैं डेली देते हैं जनवरी से, तो तब मेरा शेड्यूल थोड़ा लगता है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर करके चले तो काफी इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो एंड में थोड़ा प्रेशर होता है कि बोर्ड टेस्ट हाँ वो फर्स्ट तो बोर्ड हाँ होते हैं हमारे, तो आते हुए भी फिर बार बार एक ही चीज को पढ़ना पड़ता है, फिर हाँ भूल तो नहीं रहे हम। करेक्ट करेक्ट। और आगे का क्या प्लान है? अब 11th में क्या स्ट्रीम लेने का सोच रहे हो? मैम आई हैव चूजन PCM विद यू अच्छा नॉन मेडिकल अच्छा तो मतलब आगे का अभी सिर्फ एग्जीक्यूटिव। पीसीएम लिया है या आगे का प्लान कर रखा है कि इसके बाद 12th के बाद ये करना है ये करना है? तो मुझे JEE देके IIT फिर अच्छा, तो ग्रेजुएशन। अभी अभी साथ साथ उसकी प्रिपरेशन करोगे या अभी 12th पूरा आराम से करके देन स्टार्ट करोगे? No, I will start. अच्छा, अभी से ही I मतलब। have already started. अच्छा, यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड।
चलो ऑल दी वेरी बेस्ट, एंड आई होप जब अभी रिवैल्यूएशन के लिए जो आपने डाला है आपका रिजल्ट और ज्यादा इम्प्रूव हो जाए और ज्यादा अच्छा हो जाए, एंड आगे भी आप लाइफ में बहुत मैम करो। वो थैंक ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द कॉल। बाय यू मैम, बाय, हैव अ नाइस डे. बाय, सेम टू यू।